ओके सो कथा काफ़ी इमोशनल और ड्रामेटिक सीन चल रहा है और कुछ तो रिवील किया है आपने, बट क्या कहना चाहूँगी सीन के बारे में? उफ, ये एक ऐसा एपिसोड है जिसके लिए सारे लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। एवरीवन, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, माय फैंस, एवरीवन इज़ वेटिंग कि कब बोलेगी कथा, कब सच निकलेगा। एंड टुडे इज़ दैट डे। इट्स वेरी कथाटिक, इट्स वेरी इमोशनल, बट इट हैज़ टू बी सेड। और सच बाहर आ गया है कि मैं, मेरा बच्चे का बाप इज़ नॉट कबीर बट उसका यंगर ब्रदर युवराज। सो इट्स गोना शॉक एंड इट्स गोना, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो हाउ माय हस्बैंड गोना रिएक्ट, बट आई थिंक इट्स गोना बी अ कथाटिक थिंग फॉर हिम टू। पर देखा मासा को, ना मासा चलते आ रही है। कौन है भाई? मासा कहती है निकल जाओ इस घर से और अपनी एक घटिया शक्ल आइंदा कभी मत दिखाना। Look at change. Continue. कभी सर नहीं साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं हमारे घर से गंदगी निकाल रही हूँ। ट्रॉली सही, गंदगी नहीं, कथा के ही कपड़े। हाँ, मैं कथा को ही गंदगी बोल रही हूँ। कभी जिस गंदगी को तू शेखावत खानदान की बहू बनाकर लाया था, आज उसी गंदगी को मैं इस घर से बाहर निकाल के फेंकने वाली हूँ। दीपा कहती है राइट ऑफ द कैमरा से, मासा आप ऐसा क्यों कह रही है? मासा सावित्री कहती है, मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। कथा के पेट में पलने वाला बच्चा कबीर का नहीं, किसी और का है। ये क्यों देना? कथा के पेट में पलने वाला बच्चा कबीर का नहीं, किसी और का है। मैडी कहती है यहाँ से, वाह मासा वाह, जब मैंने आपसे ये बात बोली थी तो आपने तो मुझे थप्पड़ लगा दिया था। सावित्री कहती हाँ, क्योंकि तब मैं अंधी हो गई थी और इस पर आंख बंद करके विश्वास कर रही थी, लेकिन जब ये सच्चाई मैंने खुद अपने कानों से हॉस्पिटल में सुनी तब मुझे पता चला कि मुझे कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है, मेरे परिवार को कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। मैं अपने बेटे के प्यार में और बेटे के प्यार को प्यार करने में कुछ भी नहीं समझ पाई। जल्दबाजी में शादी क्यों हुई? कथा का बार बार बीमार हो जाना। मैं इतना ज्यादा अंधविश्वास करने लग गई थी कि सच्चाई मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। और वो हमारे घर घर में हमारी बहू बनकर इसलिए आई क्योंकि इसे पता था कि इसका पाप आज नहीं तो कल दिखने ही वाला है। इसका पाप आज नहीं तो कल दिखने ही वाला है। उमा जी कहती है बगल से, सावित्री जी बस, एक औरत को आप कथा को ऐसे जलील मत कीजिए, शोभा नहीं देते आपको। सावित्री, अरे क्यों जलील ना करूं, मैंने इसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, यहां तक कि अपनी सगी बेटी पर हाथ उठाया जब उसने मुझे इसकी सच्चाई बताने की कोशिश की। पागलों की तरह दादी मां बनने वाली खुशियां गांव भर में बांटती फिर रही थी, तब भी इसने मुझसे एक बार भी सच नहीं बताया। मुझे तो अंधेरे में रखा ही, साथ साथ मेरे कबीर को भी अंधेरे में रखा। मुझे सब पता था,
अरे क्या तुझे सब पहले से ही पता था? हाँ मासा, ईजा और कथा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था शादी से पहले ही, और उसकी ऑनेस्टी और सच्चाई से ही मुझे प्यार हो गया था। और कथा तो आप लोगों को झूठ तो आप लोगों से झूठ तो बोलना ही नहीं चाहती थी। पहले ही कथा ने प्रेग्नेंट है ये कथा ने मुझे बता दिया था, मैं सब कुछ पता था मासा मुझे। सावित्री क्या तुझे सब पहले से पता था? कभी कभी मुझे वाली थी, बल्कि शादी से पहले उसने ये शर्त भी रखी थी मेरे आगे कि अगर तुम बताओगे तो ही हम शादी करेंगे। लेकिन मैं कथा से कुछ टाइम मांगा क्योंकि मुझे सही वक्त आने पर आप सबको बताना था। तो हम सबको आकर खुद सच बता देती ना, आंखें खोलो कबीर। और अब देखो यूवी को फंसाने के लिए इसे इस घर में बुलाया गया है। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर तो खैर 3 महीने से हो ही रही हूँ, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर कभी नहीं होते हो। मतलब ऐसे मोमेंट के लिए आप कभी प्रिपेयर नहीं होते हो, यू जस्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड कि जैसे वो इंसान एक्सपीरियंस करेगा वो दुख को, यू कैन जस्ट बी देयर फॉर हिम। आई जस्ट वांट टू बी देयर फॉर हिम आफ्टर ही नोज द ट्रूथ एंड आई विल बी देयर फॉर हिम एंड हाउ। मधुदीप प्लीज, आप मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं। कोई इज्जत नहीं होती मान्यता, कभी कहते बस मैडी दी बस बहुत हो गया, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। यहां से चाचा भी आ गया है कि औरत किसी और का पाप यहां लेकर आ गई, उस पाप को शेखावत खानदान का वारिस बनाने। मैं भी देखती हूं कि ये बस हो गया, अपनी फैमिली के बारे में और नहीं सुनने वाली मैं। मधुरी आई आपके पास, चल के आ रही है। वाह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे परिवार वालों को धोखा दो और हमसे ये ऊंची आवाज में बात करो, बहुत हो गया कथा, निकलो यहाँ से, निकलो। काट देख रहे पूरी फैमिली एक तरफ है और कभी आपके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन जब कथा की बात आएगी तो क्या कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने वाले? तभी तो मेरे साथ ही खड़े हैं वो, है इसलिए मैं अब तक इतना सरवाइव कर पाई हूँ। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि युवराज ही है जिसने मुझे धोखा दिया है, आई डोंट नो मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि एक तरफ युवराज से भी बहुत प्यार करते हैं, एक तरफ मुझसे प्यार करते हैं, तो आई रियली डोंट नो हाउ इज़ गोइंग टू रिएक्ट। उसके लिए आप देखते रहिए मुस्कुराने की वजह तुम हो। I don't know. I just hope that it doesn't go off air and I hope we get to play this part for as long as we can. Having said that, it's been an honor and I'm very very grateful for this journey. Jo bhi hoga, it will be for the best. Okay, aapka debut show hai. Ji. Show agar khuda na khasa jaldi off air jata to what will be your reaction and jab ye news suni aapka reaction kya? It's my debut show, that's right. I was heartbroken, I am heartbroken. If this happens, I will be heartbroken because I gave everything to this show and I was expecting a lot, but obviously God has some other plans for everyone. So I'm very graceful, I accept things and I move on very quickly. I don't mind that. So what else is in pipeline? Are you preparing for something? Let's see. Yaar aise mat mujhe question puche ki show band ho raha hai. Let's just be very positive and let's just hope ki I get to play katha for as long as I can. Okay, thank you. Thank you.